हेलो एवरीवन, सो आपके नीट 2023 इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं एंड मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसके अंदर मैं आपके साथ बातें करूंगी और आपको मतलब एक चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगी एंड इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरी हम उस चैप्टर को डील करेंगे। सो मेरे सामने आपकी 11 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जो कि मैंने ओपन कर रखी है, आप ही उसे ओपन कर लो। जो भी चीज़ें मैं कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सो आपको वो चीज़ें क्या करनी है, लिखनी है। सो सिर्फ वीडियो देखिए मत, वाइल वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेपर शीट हो और आपके पास पेन हो कि आप नोट डाउन करें जो मैं आपको बताऊं। सो चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, इसके अंदर में पढ़ना क्या है बेसिकली। तो ये चैप्टर बेसिक है, अगर आपको आपकी 11th अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मतलब इसी साल कोई बच्चा नहीं दे रहा होगा, मे बी इस साल के बाद और आगे कोई 24 या 25 का एक्सपीरियंस भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से ही मैं तो कहूँगी कि आपको आपकी बायोलॉजी को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है कि सेल क्या होता है। सो सेल इज सिंपली कि एक साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अराउंड ना एक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर वो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगी, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी और यही सेल है बेसिकली। तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, मैं आपके साथ बात करूंगी, डिस्कस करूंगी। यूकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल हमने 5 किंगडम पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो उसके अंदर जो किंगडम मोनेरा है वो जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और बाकी के जो रेस्ट ऑफ 4 किंगडम है वो क्या है, उसके अंदर आपको मिलेगा यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल बात करेंगे। सो इस चैप्टर